हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने चैनल आपका गार्डन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि डीएपी फर्टिलाइज़र को गुलाब के पौधे में कैसे इस्तेमाल करना है और कितना इस्तेमाल करना है। मैं अपने सभी पौधों में अब तक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल कर रही थी, जैसे काओ मैनवर या वर्मी कम्पोस्ट। पर मैंने एक महीना पहले अपने इस गुलाब के पौधे पर डीएपी का टेस्ट करके देखा कि इसमें क्या रिज़ल्ट रहता है। अब आप देखिए इस प्लांट को, इसमें नए नए शूट्स निकल रहे हैं और थोड़े नहीं, बहुत सारे निकल रहे हैं। मतलब ये तो कहा ही जाता है कि केमिकल बेस्ड फर्टिलाइज़र से बहुत जल्दी रिजल्ट निकलता है। ये देखिए, नई नई पत्तियाँ, नई नई ब्रांचेस। कहने का मतलब है कि ये डीएपी फर्टिलाइज़र प्लांट्स के ऊपर, मतलब गुलाब के पौधे के ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव लग रहा है। पर ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स यूज़लेस हैं, उनका भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है, पर थोड़ा सा स्लो होता है उसका इफ़ेक्ट जो होता है। आइए मैं आपको दूसरे कुछ गुलाब के पौधे भी दिखा देती हूँ जिनमें मैंने केवल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया है। ये देखिए, इन पर अभी थोड़ी फ्लावरिंग हो चुकी है और थोड़ी हो रही है, हालांकि बहुत मतलब हरा भरा नहीं है पौधा। देखिए इसमें भी काफ़ी सारी कलियाँ आई हुई हैं, पर जैसा मैं उम्मीद रखती हूँ कि बहुत ज़्यादा पत्ते हों और बहुत घना हो जाए पौधा, वैसा नहीं हो पा रहा है। जैसे गुलाब के पौधे पर विंटर सीज़न में ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, मतलब इसका फ्लावरिंग पीरियड ही विंटर सीज़न होता है, पर इसमें वैसी फ्लावरिंग नहीं हो रही है जैसी विंटर में होनी चाहिए। जैसे ये मेरा एक और रोज़ का प्लांट है, रोज़ वाइन है, मतलब गुलाब की बेल है ये। इस पर अभी थोड़े थोड़े स्प्राउट शुरू हो गए, पर इतने नहीं हो रहे हैं। फ्रेंड्स, आपने ये तो देख लिया कि गुलाब के पौधे पर डीएपी फर्टिलाइज़र का बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है। आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि डीएपी को कैसे इस्तेमाल करना है गुलाब के पौधे पर, और कितना इस्तेमाल करना है और कितने इंटरवल के बाद इस्तेमाल करना है। तो मेरी इस वीडियो को देखते रहिए ताकि आप भी अपने गुलाब के पौधे से ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकें। चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ कि डीएपी फर्टिलाइज़र को गुलाब के पौधे में कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि डीएपी का फुल फॉर्म क्या होता है। डीएपी का फुल फॉर्म होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसमें फॉस्फोरस का अमोनिया के साथ कुछ कॉम्बिनेशन होता है। मैं उतने आपको डीप में नहीं ले जाऊंगी, बस आपको बताती हूं कि इसको कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले आपको जिस भी प्लांट में लगाना है या जिस भी गमले में लगाना है, तो उसकी मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए, मतलब 1.5 से 2 इंच गहरी गुड़ाई। मैं आपको करके ही दिखाती हूँ। तो हर तरफ से देखिए, मिट्टी काफ़ी सॉफ्ट है और गीली भी है काफ़ी। ये 1-2 दिन पहले ही मैंने इसे वाटरिंग की है। यहाँ पर मिट्टी की गुड़ाई करने का फ़ायदा ये होगा कि जब मिट्टी सॉफ्ट हो जाएगी और हम इसमें फर्टिलाइज़र लगाएंगे, तो वो पानी में घुलकर रूट्स तक आसानी से पहुँच जाएगा। बिना गुड़ाई करे ही फर्टिलाइज़र डालने से उसको बहुत टाइम लगेगा रूट्स तक पहुँचने में। जब मिट्टी की पूरी तरह से गुड़ाई कर लें, तो प्लांट से लगभग 2.5 से 3 इंच की दूरी पर एक छोटी सी क्यारी जैसी बना लें। देखिए जैसा मैं बना रही हूँ, इसे क्यारी कह सकते हैं या छोटा सा गड्ढा कह सकते हैं चारों तरफ। फ्रेंड्स, सॉइल तो हमारी प्रिपेयर हो गई फर्टिलाइज़र के लिए। अब बात करते हैं कि हमें इसमें कितना फर्टिलाइज़र डालना है। तो मेरा जो ये पॉट है, ये 12 इंच का है। इसमें मुझे 12 मतलब ग्रैनुअल, जो छोटी छोटी बॉल हैं डीएपी की, वो डालनी है। प्लस माइनस 2 कर सकते हैं आप, 10 भी डाल सकते हैं या 14 भी डाल सकते हैं। और ये डीएपी की जो ग्रैनुअल्स हैं, इसी जगह में डालें जो मैंने खुरपी से प्लांट के चारों तरफ बना दी है। ये देखिए, मतलब चारों तरफ एक एक दाना एक एक करके फैला दें। ये मतलब इस तरह मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि रूट के पास ज़्यादा रहे और जल्दी रूट तक ये पहुँच जाए। प्लांट के चारों तरफ डीएपी डालने के बाद जो ये मिट्टी है, इससे जो साइड वाली मिट्टी है, इससे इनको ढक देंगे, ये इस तरीके से। ये
डीएपी तो मैंने सॉइल में डाल दिया है, अब मैं इसमें वाटरिंग करूँगी। आप देख रहे हैं ये जो पॉट है इसकी जो सॉइल है ये पहले से ही काफ़ी गीली है, तो इसमें बहुत ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं है, पर अगर इसकी सॉइल ड्राई होती तो मुझे ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत पड़ती। अभी मैं इसमें थोड़ी सी ही वाटरिंग करूँगी क्योंकि डीएपी वाटर सॉल्यूबल फर्टिलाइज़र है, पानी के साथ घुलकर ही ये रूट्स तक पहुँच पाता है। डीएपी को लगाने के दूसरे तरीके में इसे पानी में घोलकर भी पॉट में डाल सकते हैं। जब इसे पानी में घोलकर लगाया जाता है तो क्वांटिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 10 से मतलब 14 ग्रैनुअल्स 12 इंच के गमले के लिए काफ़ी रहते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर एक बार फिर से आपको बता दूँ कि डीएपी की जो क्वांटिटी है वो पॉट के साइज़ के हिसाब से है, जैसे 10 इंच का पॉट है तो 9-10 दाने आपने ले लिए, 12 इंच का पॉट है तो 10 से 14 दाने ले लिए। मतलब पॉट का साइज़ अगर घट बढ़ रहा है तो उसी के हिसाब से क्वांटिटी को भी कम और ज़्यादा कर लें। अब बात करते हैं इंटरवल की, मतलब दो डोजेस के बीच में कितना गैप रखना है, कितने दिन का गैप रखना है। तो आप इसे 25 से 30 दिन में रिपीट कर सकते हैं, और अगर आप साथ में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहते हैं तो इसको आप 40 से 45 दिन में रिपीट करें, उसके बीच में आप एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की डोज इसमें डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखा आपने, डीएपी रोज़ के प्लांट पर काफ़ी इफ़ेक्टिव है, आप भी अपने रोज़ के प्लांट पर इसे यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अगर पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।